नगर परिषद हमीरपुर ने नल्टी रोड पर जिस दो मंजिला रैन बसेरा को ठेकेदार को सालाना 3 लाख रुपए किराए पर आवंटित कर रखा था, उसकी नीलामी प्रक्रिया में बड़ी जालसाजी का खुलासा हुआ है। ठेकेदार का कहना है कि नगर परिषद ने रैन बसेरा के जिन कमरों के तालों को तोड़ कब्जा छुड़ाने का दावा किया, जांच में पता चला है कि वे ताले खुद नगर परिषद ने ही रैन बसेरा में लगाए थे। ठेकेदार मुकेश कटोच ने कहा कि नगर परिषद की ओर से ताले लगाए गए हैं। कटोच ने कहा कि नगर परिषद ने स्वयं रैन बसेरा पर ताले लगाए हैं और मेरे ऊपर ताले लगाने के आरोप चढ़े हैं, जो कि सरासर गलत हैं। मुकेश कटोच ने नगर परिषद पर धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में अपने वकील के माध्यम से पिछले 2 वर्षों से नगर परिषद को कानूनी नोटिस भेजे हैं। कटोच ने बताया कि वर्ष 2016 में नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने रैन बसेरा को 3 लाख रुपए सालाना किराए पर हासिल किया। भारी भरकम बोली लगाने के बाद उन्होंने नगर परिषद के खाते में 3 लाख रुपए जमा करवाए। इसके बाद उन्होंने रेंट एग्रीमेंट तैयार करने और रैन बसेरा की टपकती छतों को ठीक करने, रैन बसेरा तक पक्की सड़क बनाने के लिए कहा था। 3 लाख रुपए लेने के वक्त नगर परिषद ने शीघ्र सभी मांगों को 1 हफ्ते में पूरा करने की बात कही, लेकिन नगर परिषद ने न तो वर्ष 2020 तक एग्रीमेंट बनाया, न टपकती छत की मुरम्मत करवाई और न ही रैन बसेरा तक पर्यटकों के पहुंचने के लिए सड़क बनाई है। मैं बेसिकली टिकट डिडमे से हूं, जो मेरे साथ नगर परिषद ने मेरे साथ 420 की है। मैंने इनको 2016 में भी पैसे दिए, 2016 में मैंने 3 लाख रुपए इनको दिया, 2017 में मैंने इनको 3,30,000 रुपये दिया, मगर जो इन्होंने मेरे को लिख के दिया था कि मैं हम इसको पूरी रिपेयर करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि जो मेरे वहाँ पर कस्टमर आते थे, वो ना उनके लिए सड़क थी, ना उनको कोई गाड़ी पार्किंग के लिए कोई जगह थी, जगह तो थी पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। और इन्होंने जो बोला था कि हम कमरों को सेट करेंगे, सीवरेज करेंगे, हम रास्ते बनाएंगे, ऊपर पक्खे लगाएंगे, टाइलें लगाएंगे, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं नगर परिषद के ऊपर जो उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया हुआ है समाचार पत्रों द्वारा कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने ताले लगाए हुए, मैंने कोई ताला नहीं लगाया, सब इनकी मिली भक्त है। जो उन्होंने ड्रामा परसों 2 तारीख को नगर परिषद ने किया, वो झूठा मेरे को बदनाम करने के लिए किया। और मैं इनके ऊपर मैंने कोर्ट में भी केस किया हुआ है और मैं इनके ऊपर 420 का केस करूँगा अपने वकील के द्वारा। मैं आज इनको नोटिस भी भेज रहा हूँ। मुकेश कटोच ने कहा कि उन्होंने वन विभाग में RTI के माध्यम से जानकारी ली है, जिसमें पता चला कि रैन बसेरा की जमीन वन विभाग की है। कटोच ने कहा कि उन्होंने नगर परिषद में 6,30,000 रुपए किराए के रूप में जमा करवाए, लेकिन रैन बसेरा में चतुर्थ श्रेणी कर्मी के परिवार समेत रहने से यहां ठहरने वाले पर्यटक कई बार शोर शराबे के कारण आधी रात को कमरा खाली कर चले गए, इससे उन्हें आर्थिक हानि हुई। कटोच ने कहा कि उन्होंने वर्ष 2019 में ही रैन बसेरे पर कब्जा छोड़ दिया था, जिसके बाद नगर परिषद ने ही ताले लगाए थे, लेकिन बीते रोज उन्हें तोड़कर झूठ का प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि उनके साथ नगर परिषद ने धोखाधड़ी की है, जिसके खिलाफ अब न्यायालय में लड़ाई लड़ी जाएगी। धोखाधड़ी का मामला साहब ये है कि इन्होंने बोला था कि हम बिल्कुल ठीक करेंगे रैन बसेरा को, टाइलें बिछाएंगे, दूसरी मंजिल पे जहाँ टंकियाँ रखी गई हैं वहाँ पर पौड़ियाँ लगाई, ना इन्होंने पौड़ियाँ लगाई, ना इन्होंने कोई वहाँ पर कमरे किए, ठीक किए, कोई काम नहीं इन्होंने किया जो इन्होंने मेरे को बोला था। मेरे साथ एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट कहाँ हुआ मेरे साथ? एग्रीमेंट तो हुआ नहीं मेरे साथ, मेरे को तो ठगा गया, मेरे को तो छला गया एक बेरोजगार आदमी को। मैं तो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए इधर आया था कि चलो मेरे को कुछ रैन बसेरा दे रहे हैं, मैं यहाँ इसको लूँगा, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा, पर मेरे साथ तो धोखा हुआ 420, जबकि ना लैंड इनकी है, जो ज़मीन है वो फ्रेश लैंड की है, फ्रेश लैंड वालों ने इनके ऊपर केस किया हुआ है और इनका केस चला हुआ है फॉरेस्ट DFO ऑफिस में, इनका केस चला हुआ है। मैंने भी अपने वकील द्वारा इनको नोटिस दिया हुआ है कि मेरे साथ 420, जब इनकी ज़मीन नहीं है तो किराएदार कैसे रख सकते हैं, ये किराएदार ये रख नहीं सकते हैं। और जो और इन्होंने अपने वहाँ पर एक जैसे मेरे को ऑक्शन दे दी, टेंडर दे दिए मेरे को, जब मेरे को 2016 में टेंडर दे दिए तो अपने इन्होंने चौकीदार वहाँ पर रख लिया। उस चौकीदार को तो बनता नहीं था, मैंने अपना चौकीदार रखना था कि इनका चौकीदार, मैंने क्यों रहना उस बिल्डिंग में, मैंने क्यों ताले लगाने, मैंने कोई ताले लगाए हुआ है, सारे ताले इन्होंने लगाए हुए हैं। ये इन्होंने ड्रामेबाजी की है 2 तारीख को और खां मेरे को बदनाम करे। मैं भी 10 साल जनप्रतिनिधि रहा, उन्होंने लोगों के साथ ऐसा नहीं किया, इन्होंने मेरे को ठगा है, मेरे साथ धोखा किया है। मैं इनके खिलाफ
कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ूंगा और जहां तक मेरे को हो सका मैं इनके साथ जो है पूरी लड़ाई लड़ूंगा। 2016 जुलाई की इन्हें जुलाई को मेरे को ये टेंडर अवार्ड किया था और इन्होंने बोला था कि हम सब कुछ करेंगे, पर वहां पर मैंने देखा तो वहां पर कुछ नहीं पाया गया। वहां पर कोई आदमी नहीं आता था और जो इनका चौकीदार था उसकी पूरी बदमाशी थी, पूरी ये थी जहाँ को उसने शराब पी लानी, जो भी कोई आदमी भूला भटका आ गया उसको रात को वो बाहर से कुंडा लगा दे देते। रात को मेरे को सुबह 4 बजे मेरे को फोन है बाहर से किसी ने कुंडा लगा दिया, तो मैं तो मेरे को तो यही काम रहा रात को कुंडा लग जाना, मैंने खोलना, मैंने किसको बोलना, नौजवान उसके बच्चे थे, मेरा चौकीदार था वो तंग हो गया था, वो भरा था, मैंने पूरे रहन बसेरा जाके पूरे रहन बसेरा का दिया था, मैंने कोई 3 कमरों का नहीं दिया था और 2 हालों का नहीं दिया था मैंने, 1 कमरा तो उनका वो चौकीदार बेलदार रहता था वहां। नहीं तो आपने इसकी शिकायत उनको ईओ नहीं बताया कि आपका चौकीदार? मैंने ईओ उस टाइम के विनोद कुमार जी थे, मैं रोज जाता था, मेरे जूते भी घस गए, मगर इन लोगों के दरबार में कोई सुनवाई नहीं। मैं सुबह जाता था जब इनका कुर्म होता था कि मेरे को बाहर खड़े कर देते थे और शाम 4 बजे बुलाते थे, और बुलाना भी ऐसे, हाँ जी क्या बात है, कोई बात है, देखें इधर उधर मुंडियां घुमाते थे जो भी काउंसलर थे।